This story is called Maitri. Ready for it? All right. Let's go! Woo! तो बाबू देखो जमाना ऐसा था हम फिर निकल चले आवारा आशिक पागल दीवाने इस ब्रह्मांड में प्यार ढूंढने के लिए एंड एक्चुअली गेटा मिल गया अपने को ब्रो आई एक्चुअली फाउंड इट आई फाउंड द मोस्ट परफेक्ट एंड अमेजिंग गर्ल शी वॉज स्वीट शी वॉज काइंड शी वॉज ब्यूटिफुल शी वॉज वंडरफुल एंड शी वॉज अ सिंगर एंड यू गाइस वोंट बिलीव इट आई फाउंड हर इन द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन द होल वर्ल्ड आई बेसिकली मेट ऑन एन हिंज भाई इतनी बार जब किसी का चूतिया कटता ना आदमी हिंज पे ही जाते हैं फिर ठीक है अपन हिंज पे मिले मस्त ठीक है बातें बातें हो गई अपनी ठीक है इतने में लड़की बोलती लेट्स मीट आई सर ओके लेट्स मीट अपन मिले ब्रो आई वॉज फकिंग ब्लोन अवे व्हेन आई मेट हर भाई लड़की थी कैटफिश इन रिवर्स असल जिंदगी में और अच्छी दिख रही है भाई मैं इधर बोला वाओ ये क्या हो गया अपने साथ एंड टू पीपल दैट नो मी एंड आई बिलीव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो लाइक द ऑडियंस मस्ट हैव एस्टैब्लिश की भाई तेरा थोड़ा सा तो प्लेयर है ठीक है ना है मतलब है लुक्स बुक्स जॉल एंड वॉल एंड है अपना थोड़ा तो है ठीक है सो एज अ प्लेयर आई नेचुरली एंडेड अप एट अ प्लेस दैट नाइट एंड वी एंडेड अप हुकिंग अप बट तेरा भाई ना प्लेयर के साथ एक नंबर का चूतिया भी है क्योंकि आई जस्ट डिड नॉट ओनली एंड अप एट अ प्लेस एंड हुक अप विद हर आई स्टेड एट अ प्लेस फॉर 3 fucking days 3 दिन तक उसके घर में था ब्रो लाइक दैट इट वॉज नॉट अ हुकअप एनीमोर गाइस इट वॉज अ लिव इन रिलेशनशिप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है फॉर 3 days वी वर जस्ट हुकिंग अप अगर मैं ये सेम चीज हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो 3 दिन तक अपन बस चौदम पट्टी चल रहा था अपना ब्रो 3 दिन तक पेर रहे थे एक दूसरे को व्हाट इज एवरीथिंग इन हिंदी साउंड सो वल्गर व्हेन यू फकिंग ट्रांसलेटेड ब्रो सो एज यू गाइस नो आई फॉल इन लव वेरी 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 क्विकली एंड ऑब्वियसली 3 दिन तक अगर चौदम पट्टी चल रहा है तो प्यार तो हो ही जाएगा मेरे को तो हो ही गया था बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाबू भैया हम थोड़े भी टॉक्सिक हो गए थे सो वी स्टार्टेड यूजिंग दिस थिंग नोन एज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ठीक है Guys, take notes, women be aware. तो अपन क्या करते पता है जब भी अपने को ना किसी नई लड़की से प्यार होने लगता है ना अपन क्या करते पता है नई लड़की यस अपन उनको ना इतना बड़ा 4 फुट का ना आइकिया का ना 4,000 रुपये का ना लैम्प देते हैं उनको मस्त ठीक है वो लैम्प वो शायद से अपने हॉल में लगाई या रूम में लगेगी विद द आइडिया बिहाइंड इट कि अगर वो कभी भी लैम्प को अगर बंद करेगी या चालू करेगी वो मेरे बारे में सोचेगी सुबह उठ के वो लैम्प बंद करे बोलेगी केविन रात को बंद कर रही है तो बोलेगी केविन अगर कोई दूसरा बंदा उसके घर पे उसको पेल रहा रहेगा और हल्की से वो लैम्प की किरणें उसके गाल पे पड़ेगी क्या पता वो गलती से मेरा नाम निकाले केविन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन The another thing that I do is basically ki I have this one perfume, okay? It's called David of Cool Water, the international fuckboy perfume. ठीक है? Every fuckboy uses this. तो अपन क्या करते पता है अपन जब भी इसके घर पे जाते थे ना अपन आधा परफ्यूम का बाटला ना खाली कर देते इसके रूम में पिलो केस पे बाथरूम जा रही है भाई उस होती व्हाई इज द स्मेलिंग सो गुड मैं बोला इट्स जस्ट मी बेबी द रीजन बीइंग व्हाई इज बिकॉज़ साइंस सेज दैट योर सेंस ऑफ स्मेल बेसिकली रीइग्नाइट्स मेमोरीज सो आई वाज ट्राइंग टू गेट हर यूज्ड टू दैट ताकि कल अगर वो कोई भी फक बॉय के साथ हुकअप कर रहे और अगर उसने डेविड ऑफ कूल वाटर लगाया है तो बोलेगी केविन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तो ये कुछ नहीं चला एक्चुअली मेरा क्योंकि उसने 4th दिन पे इसने मेरी मां चोद दी बोल के कि केविन आई ना आई एम एक्चुअली नॉट अ वेरी फिजिकल पर्सन बोला है बोला यार ओके आई एम एक्चुअली ए सेक्शुअल 3 दिन से तो अपन छोड़ रहे थे एक दूसरे को भाई ए सेक्शुअल बोलते या केव आई जस्ट रियली थिंक दैट यू नो वी शुड जस्ट स्टे फ्रेंड्स इट्स ओके गाइज फेयर लड़की का चॉइस है मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वॉज एट हर हो फेज So I gracefully accepted it and I was like, you know what, it's fine, don't worry about it. Uske agle din iska text aata hai, meko bolti hai ki, Kev, there's a party at Car Socials and my friends are coming, I'd really like you to join me as my friend. तो बोला यार मेरे को पता था कि मैं दोस्त होते को जले पे नमक छिड़क के बोलना नहीं था कि एज माई फ्रेंड आने में आ जाता ठीक है तो मैं गया उधर तो जब मैं पार्टी में गया ना ब्रो ये बंदी अपने दोस्तों के सामने ठीक है मेरे साथ मेकआउट वेकआउट करने लग गई है भाई और मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना भाई क्योंकि ब्रो मैं पसंद भी तो करता हूँ उसने बोला फ्रेंड्स भी है सेक्स तो मेरे को भी चाहिए आई एम गोइंग बैक टू द टाइम ना कि आई टोल्ड यू गाइस ही वाज अ सिंगर राइट जब हम लोग उसके घर पे रहे रिमेंबर द 3 डेज फक फेस्ट हाँ आई
आई एम गोइंग बैक टू द टाइम जब वो मैं इसके घर पे रहता ना, वो क्या करती थी लड़की पता है? वो मेरे को ना अपने से गोद पे सुलाती थी, ठीक है, और फिर वो यूके ले ली लेती थी और वो गाती थी, मेरे हुस्न के अलावा मेरा मन भी मांग लो ना. You guys know what a ukulele is? Anyone knows what a ukulele? Yeah. For those of you guys that don't know what a ukulele is, it's a very small guitar जिसमें चार झटके बाल लगे हुए रहते हैं, ठीक है? और उसमें से आदमी बजाते हैं, चंग चंग चंग, इतना गंदा बजाती थी वो, बट फिर भी सुन लेता था. You know why? कि मेरे को उसको बजाना था. पार्टी में मेरे साथ मेकआउट वेकआउट करने लगी, मैं भी मेकआउट करने लगा. इतने में ना मेरे को दूर से ना एक हॉट सा बंदा दिख रहा है, ठीक है, वो उसको देख रहा है और वो उसको देख रहे हैं मेरे से मेकआउट करते समय. इनिशियली मेरे को लगा मे बी कुछ तो क्या पता, फिर बाद में मेरे को समझ में आ गया, फक, ये वो बंदे को जेलस फील कराने की कोशिश कर रही थी मेरे साथ. भाई मेरे को तो बहुत बुरा लगा उधर ब्रो. फिर मैं गाने लगा, मेरे हुस्न के अलावा मेरा लंड भी मांग लाना. सो नॉर्मली आफ्टर पार्टी ना उसके घर पे होती थी, ठीक है, एंड हर बार मैं इन्वाइटेड रहता था. बट ये टाइम जब हम लोग निकल रहे थे उधर से, ये आके मेरे को बोलती है कि सो केविन वेर आर यू गोइंग आफ्टर दिस? ओ शिट, आई एम नॉट इन्वाइटेड टू द आफ्टर पार्टी, शी हैज़ अदर प्लान्स. बोला नहीं यार, यू नो लाइक माय थिंग इट्स चिल, मैं जा रहा हूँ किधर दारू वारू पीने के लिए, यू कैरी ऑन. बोलती ओके ठीक है बाय. चली गई भाई. अपन फिर अपना मायूस लंड लेके निकले. अपन गई सीधा एयरपोर्ट बियर कैफे दारू पीने के लिए, ठीक है, पूरा टाइम लंड को वापस समझा रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो गया, मत रो मत रो मत रो. वापस अपन गई एयरपोर्ट के बियर कैफे में, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि व्हेनेवर आई वेरी डीपली फॉल इन लव विद समबडी, आई वुड डू दिस रियली स्टूपिड हरकत वेयर मैं लड़की को ना एक लंबा चौड़ा ईमेल लिख देता, कॉर्पोरेट ईमेल, नेम डेट सब्जेक्ट पीएस के साथ. उस ईमेल में ना अपना पूरा भोसड़ा फाड़ देता था मैं, अपना फुल इमोशन वॉमिट उधर मैं पूरा लिखने लग गया वो ईमेल में कि यू नो लाइक माथ्री एवर सिंस आई मेट यू यू आर ऑल आई थिंक अबाउट, आई लुक एट यू इन अ क्राउडेड रूम एंड एवरीवन एल्स सीम्स लाइक बैकग्राउंड नॉइज, आई एम सो डेस्परेटली एंड डीपली इन लव विद यू माथ्री. सो एंड आई डू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग सीरियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज यू मैंशनड. सो आई हैव अ प्रोपोजिशन फॉर यू. मैं अगले 20 दिन में इंडिया के बाहर जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, तो अगले 19 दिन के लिए ना जस्ट एज माई फ्रेंड, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट स्पेंड टाइम विथ यू, आई वॉन्ट गो टू द मूवीज विथ यू, आई वॉन्ट सेट विथ यू ऑन लाइक मरीन लाइन्स एंड वॉच द सनसेट एंड सनराइज, आई वॉन्ट गो टू द आर्केड विथ यू, आई वॉन्ट कम ओवर एंड आई वॉन्ट कुक फॉर यू, आई जस्ट वॉन्ट बी अराउंड यू, दैट्स ऑल दैट आई एम आस्किंग यू फॉर. उसका जो सब्जेक्ट रहता है ना ईमेल का जो सब्जेक्ट, मैंने उसका सब्जेक्ट लिखा था अ लॉट लाइक लव, ठीक है, इट्स अ चिक फ्लिक मूवी बेसिकली एश्टन कुचर की, उसमें वो जो लीड रहता है ना वो बोलता है एक टाइम पे कि आई डोंट नो अबाउट इट बींग लव बट इट वॉज अ लॉट लाइक इट, ठीक है. जो अपना पीएस आता है ना पोस्ट स्क्रिप्ट, उसमें मैंने लिखा था, यू रिमेंबर आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ऑन हिंज व्हेन आई आस्क यू व्हाट इज इट दैट यू आर लुकिंग फॉर एंड यू टोल्ड मी वेल समथिंग सीरियस वेल मे बी अ लव स्टोरी. Well, I don't know about this being a love story, but this is a lot like it. Bhai, tera romantic to hai yaar, bhai. Hai ki nahi? Pura aisa emotional vomit karke email bheja. Pata chala baad mein nashe mein apne behan ko email bhej diya. Theek hai? Behan mujhe respond karke bolti hai, ye kaun sa movie ka script hai, bhai? Bola, oh shit, mere paas to ye ladki ki email ID hai bhi nahi. WhatsApp pe copy paste. Theek hai? 3 ghante mein scene aa gaya, 24 ghante tak reply nahi. And you know, you get so scared, right? Because you've like poured your heart out over there. You've been vulnerable, you're wearing your heart on your sleeve, you're expressing how much you love somebody, right? 24 ghante tak aadmi reply nahi karta, gaant phad jati na. 24 ghante baad bandi ka reply aata hai na apne ko. Ladki na mereko Instagram pe ek meme bhejte, bolti ki isn't this really funny? Bola, fuck, mera message ignored. Fuck. Idhar chalu hua mera villain arch. Idhar maine bola ki bhencho अभी भाई, इधर मैं बनूंगा शाहरुख खान का बाजीगर, ठीक है, क्योंकि देखो बाबू भैया, केविन सिंघाई को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो, बट केविन सिंघाई को इग्नोर तो मत करो भाई बहन, चलो अपनी भी तो इज्जत है यार. तो चालू हुआ मेरा रिवेंज प्लॉट, ठीक है. अभी अपने रिवेंज प्लॉट में एक बहुत सिंपल सा चीज़ था कि अपन अगले 19 दिन के लिए अपने जितने भी फीमेल फ्रेंड्स थे सबको खड़ा कराया, अपन सबके साथ स्टोरी डालने लग गए, जेलस कराने, बात बात बंद हो गई थी. आई थिंक 4 days बिफोर आई वॉज अबाउट टू लीव द कंट्री उसका कॉल आता है मेरे को रैंडमली, 14-15 दिन बात नहीं हुआ, रैंडमली सुबह कॉल करके मेरे को बोलती है कि हाय, हेलो व्हाट्स अप, बोलती हाउ आर यू,
बोला आई एम गुड माई जी वॉट्स अप. बोलते यू तो यू स्टॉप कॉलिंग मी ओनली. बोला फोन वर्क्स बोथ वेज. बोलती ओके आई डोंट नो एनीवेज कम ओवर. मैं बोला मेरे हुस्न के अलावा मेरा मन भी मांग लो ना. मैं बोला ब्रो नो आई कांट कम ओवर. बोलती व्हाई. मैं बोला बिकॉज आई एम एक्चुअली हुकिंग अप विद दिस अदर गर्ल दैट्स होम. बोलती कि इज शी हॉटर देन मी. बहन की लोड़ी इतनी टॉक्सिक. बोला क्या है. कोई नहीं था घर में. मम्मी के साथ था मैं. मम्मी के साथ सो रहा था मैं. आई वाज नॉट स्लीपिंग विद माय मॉम बेसिकली. मम्मी थी घर पे. हम लोग अलग अलग रूम में थे. जला रहा था मैं उसको. देन शी हिट मी विद अ मेंटल हेल्थ एंगल. बोलने लगे कि यार कैव यू डोंट नो आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस. आई एम हैविंग लाइक अ एंग्जाइटी अटैक ओवर हियर. अपन मेंटल हेल्थ के बहुत सेंसिटिव ठीक है. बोले आता हूँ एक घंटा दे. एक घंटे में पहुंचे उसके घर. एक डेढ़ घंटे तक ठीक है जब मैं उसके घर पे था ऑल शी ट्राई टू डू इज मेक आउट विथ मी ठीक है. इधर पप्पियाँ दे रही. इधर पप्पियाँ दे रही. इधर हाथ लगा रही. इधर हाथ लगा रहे. अपन बोले नहीं 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 सख्त लौंडा. पूरा टाइम मेरा खड़ा था उधर. और अपन पैंट से छुपा रहे हैं भाई. इधर 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 ये पिलो रख रहे हैं बीच में. फोन रख रहे हैं. अपना फोन से छुप जाता है. तो डेढ़ घंटे हुए भाई. फुल बंदी मेकआउट करने की कोशिश करी. अपन बोले नहीं सॉरी नहीं हो सकता ये. अपन निकलने वाले थे. जाने से पहले लड़की मेरे को बोलती कि कैव आई फील लाइक इफ आई डोंट किस यू टुडे आई एम रियली गोइंग टू रिग्रेट इट. मैं बोला कि वेल इन सम थिंग्स आई मीन टू लिव विद सम रिग्रेट्स बाय बाय. चला गया. मैं ब्लॉक कर दिया उसको सीधा. खत्म राइट. वन माइट फील कि यार इधर रिवेंज खत्म हो जाता है. नहीं भाई अपने को अपना चलने वाला था भाई ये लंबा बहुत ठीक है. लड़की पागल हो गई. टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रहे. ओ माय गॉड केविन व्हाई डिड यू लीव. व्हाई डिड यू ब्लॉक मी. ओ माय गॉड केविन प्लीज टॉक टू मी. डाटा मैं बोला नहीं भोसड़ा अब अपन मिलेंगे एक दिन रैंडमली तेरे शो पे. अपने को पता सिंगर है ना लड़की. लड़की गाती रहती थी मुंबई में कोई भी तो बार बार में. तो जस्ट द वन डे बिफोर आई वॉज अबाउट टू लाइक लीव मैं पहुंच गया जो बार में गा रही थी लड़की ठीक है. आधा डेविड ऑफ का खाली करके लेदर जैकेट पहन के हाथ में सुट्टा लेके पहुंचा मैं बार के अंदर ठीक है. फुल ऐसा लड़की गा रही है स्टेज वेज पे. अपन गए भाई बार के टीका विका ले. फक यार आई कॉन्टैक्ट हो गया ना उधर. मैं चल वापस चला गया भाई. मैं पूरा उसका सीन समझ रहा हूँ कितना रोमांटिक है भाई. बंदा जा रहा है 6 महीने के लिए. उसको उसका प्यार दिख रहा है. स्टेज पे गा रही है भाई. गिटार बजा रही है. गा रही है. और आई कॉन्टैक्ट मिलता है. हल्का सा स्माइल देते. मैं उसको स्माइल देता हूँ. एक्नॉलेजमेंट होता है. मैं उसको ना हाई बोला ना मैं बाई बोला. मैं 2 मिनट ना उसका सेट खत्म होने से पहले मैं उठ के चला गया. लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया. बोलते कौन है ये टॉक्सिक लड़का. ना हाय बोला ना भाई बोला. बहन चोर उठ के चला गया. लड़की टेक्स्ट पे टेक्स्ट कर रही है. ओ माय गॉड केविन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बट व्हाई डिड यू लीव. ओ माय गॉड केविन व्हाट द फक केविन अनबिलीवेबल. बोला बोसड़ा ये कहानी और लंबी चलेगी बिकॉज आई एम स्टिल हर्ट. वन माइट थिंक रिवेंज इज ओवर. नहीं 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 अपना 6 महीने का प्लान अपन ने ना दिमाग में मैप करके रखा था. इसके बाद चले गए अपन इंडिया छोड़ के 6 महीने के लिए ठीक है. और फिर चालू हुआ अपना प्लान का सेकंड फेज. उसकी एक बहुत हॉट फ्लैटमेट थी ठीक है जो एक मॉडल थी बेसिकली. एंड मैं 6 महीने से उसके मॉडल फ्रेंड से बात करना चालू किया बिकॉज माई आइडिया वॉज कि एक दिन मैं इसके घर पे आऊँगा उसके मॉडल फ्रेंड से मिलने और ये जब घर पे एंट्री मारेगी मैं इसे हॉल पे बैठा हुआ रहूँगा. बोले ओ हाय मैत्री एक्चुअली केम टू मीट तनीषा. बोले व्हाट द फक. ये अपना एंड गेम था ठीक है. 6 महीने तक अपना पूरा बात बात चल रहा था इस मॉडल वॉडल फ्रेंड के साथ. इंडिया वापस आते एक दिन मेरे को रैंडम अकाउंट से मेरे को एक मैसेज आ जाता है बोल के कि कैव एवरी डे आई लुक एट दिस फकिंग लैम्प एंड आई सिट एंड आई थिंक अबाउट यू. मैं बोला बहन चो 4,000 रुपये वसूल हो गए भाई. फिर लास्ट फेज आया भाई अपने प्लान का एंड गेम ठीक है. अपन गए भाई तनीषा के घर पे पहुंच गए. अपन रुके मस्त आएगी मैत्री वगैरह रात के टाइम पे. रात को दरवाज़ा खुला मैत्री आई. मैत्री मेरे को देखी मैं शॉक्ड वो शॉक्ड. मैत्री आके मेरे को बोलती है हाय हाउ आर यू. आई एम फाइन. बात बात चालू कर दिए. एंड देन वी जस्ट वेंट बैक टू व्हाट वी यूज्ड टू बी हाउ वी मेट द फक फेस्ट एवरीथिंग. गाना वाना हुस्न सब चले गए वापस ठीक है. और माफ़ कर दिया यार मैंने उसको. लेट हो गई थी 3:30 बज गए थे. मैं बोला मैत्री मैं निकल रहा हूँ घर से. बोलते ठीक है तो निकल जा. मैं बोला ओके विल कैन यू वॉक मी टू द डोर. बोलते ऑल राइट. आई मेरे को दरवाजे तो छोड़ने आई. जैसे मैं दरवाजे पे खड़ा था ना मैं बोला यार काश चल जाता यार ये चीज़. बोलते कि नहीं आई एम सॉरी डिडंट वर्क. मैं बोला अच्छा ठीक है. बट मैत्री द समथिंग आई वांट टू टेल यू. बोला केविन. बोला कि अगर जिंदगी में
मैंने कभी खुद गर्ज होके किसी को पाने के लिए दुआ मांगी है तो वो सिर्फ तुझे पाने के लिए मांगी है. फिर बाद में मैंने उसको जाके ब्लॉक कर दिया बिकॉज आई विल स्टे टॉक्सिक, राइट. सो दिस वॉज द लास्ट स्टोरी ऑफ 404 एरर नो लव फाउंड. एंड वन वुड फील कि यार इस टाइम के बाद ना आदमी यार गिव अप ही कर देगा ना प्यार पे. और मैंने गिव अप कर दिया था प्यार पे. आई सेड फक दिस शिट भाई, मेरे को प्यार व्यार करना करने ही नहीं है. मैं हुकअप करेगा, मैं शहर की सबसे बड़ी बनूंगी, ठीक है. हिंज, बम्बल, टिंडर, हैपन, ठीक है, सब डाउनलोड किया मैंने. डिजी यात्रा भी, क्या पता उस पर भी लड़की मिल जाए, ठीक है. एट द टाइम व्हेन आई वाज नॉट लुकिंग फॉर लव एट ऑल एंड आई वाज ओनली लुकिंग फॉर हुकिंग अप एंड मीटिंग माय गर्लफ्रेंड. कैन यू कम ऑन स्टेज? Decided that bhai ye bas hookup ka zamana chala rahega. I met the most wonderful and the most beautiful person I could ever find, and to her I just want to say one thing. Agar zindagi mein maine kabhi khud garz ho ke kisi ko paane ke liye dua mangi hai to sirf tujhe paane ke liye mangi hai. Ladies and gentlemen, my name is Kevin Singhai and you just watched Hope you really like the video. This was my first ever stand-up special. It literally took 1 year to make. However, this video would have never been possible without my very dear friend, Mr. Vivek Samtani. Vivek was the one who actually guided me throughout my entire stand-up career. Back in the days, venues would not book me, but my guy over here gave me a spot. So shout out to my guy. अभी भाई ने इतना किया तो थोड़ा सा उसका लौड़ा चूसना पड़ रहा है क्रेडिट्स देके, बट प्लीज डू गो एंड चेक हिम आउट एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, आई विल बी परफॉर्मिंग शोज ऑल अराउंड बॉम्बे एंड वी माइट ऑल्सो डू एन इंडिया टूर. सो प्लीज स्टे ट्यून ऑन द इंस्टाग्राम फॉर दैट एज आई पोस्ट रेगुलर अपडेट्स अबाउट माई शोज ऑन इंस्टाग्राम. अंटिल देन, ऑल आई वांट टू टेल यू गाइस इज, अगर जिंदगी में